मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा दूसरी बार समन भेजे जाने के बाद जेएमएम के कार्यकर्ता दो दिनों तक राजधानी रांची में ही अपना डेरा जमाए हुए हैं। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा लगभग 9 घंटे से अधिक की पूछताछ की गई थी। राज्य के सभी जिले के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास के सामने पहुंचे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पक्ष में जय जयकार लगाते नजर आए, साथ ही केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। वहीं उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई का भय न दिखाए। वहीं मामले को लेकर पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि ईडी के द्वारा जो लंबी पूछताछ की गई है, इसे कानूनी प्रक्रिया कम समझे या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। साफ दिखलाता है कि ये कहीं से भी ये कानूनी संबंध नहीं था। ये माननीय मुख्यमंत्री को छवि की छवि को खराब करने का और जो काम माननीय मुख्यमंत्री आज इन 3 वर्षों में जनता के बीच जितने लोकप्रिय हुए उनकी लोकप्रियता कम करने का, लेकिन ऐसी साजिशों से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जनता, पूरे राज्य की जनता माननीय मुख्यमंत्री के पक्ष में खड़ी है और हमेशा अब 20 वर्षों तक कम से कम यूपीए महागठबंधन की सरकार यहां होगी। वही मामले को लेकर जेएमएम कार्यकर्ता मधुप मंसूरी ने कहा कि राज्य की जनता युवा मुख्यमंत्री के साथ है, कुछ नहीं होगा, जैसे सरकार चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। हम नहीं, पूरे झारखंड वासी दुखी है, समझे ना। मैंने झारखंड को लोग लूट के खाली कर दिया, चाहे ईडी को, चाहे सीबीआई को, चाहे केंद्र सरकार को, ये सब पता नहीं चला। अब एक नौजवान लड़का झारखंडी जनता के हित में काम कर रहा है, अच्छा, तो केंद्र सरकार को चिंता लग गया कि बहुत खराब हो रहा है। केंद्र सरकार का सोच है कि पूरे राज्य को लूट के दिल्ली ले लाओ, हम लाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बहरहाल झारखंड के राजनीति गलियारे में ईडी की तफ्तीश जारी है। सीएम हेमंत सोरेन के ईडी दफ्तर तलब के बाद अब क्या निकलकर सामने आता है, यह तो देखने वाली बात होगी। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।